नहीं कर अच्छा पाते बिहार हैं। में मांस लगभग सभी लोग खाते हैं क्या? हाँ 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 है? कुछ लोग तो बच्चे होंगे। 70% तो खाते ही हैं। कितने परसेंट? 60-70% तो खाते ही हैं। तो मैं उनको बोलती हूँ अपने हस्बैंड जी को कि मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं वृंदावन जाना चाहती हूँ बेबी को लेके, लड्डू गोपाल का वहीं सेवा करूंगी और पूरे लाइफ मैं वहीं रहूंगी। अच्छा, तो वो अपने मुझे ना बोलते हैं ना इस गांव के लोग, जिस गांव में हम आए हैं, ये गांव के लोग खाते हैं मांस? नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं एक नया वीडियो फिर से लेकर के। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। इस वीडियो में एक महिला आती है बिहार से, श्री अनिरुद्धाचार्य जी के भागवत कथा में, जो कि बताती है उसका पूरा परिवार जो है मांस मछली खाता है और वो औरत नहीं खाती है। एक अकेली है, मतलब अपने इतने बड़े पूरे परिवार में जो वो नहीं खाती है और उसको बनाना भी पड़ता है। अपना सारा दुख वो महाराज जी से शेयर करती है। तो दोस्तों, इस वीडियो का क्रेडिट श्री अनिरुद्धाचार्य जी को देते हैं हम। बने रहे आप हमारे साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, अभी मैं दरभंगा से आई हूँ, मेरी माँ पापा और मेरे बेबी भी आए हैं। गुरुजी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ, लड्डू गोपाल का सेवा करती हूँ, रखी हुई हूँ, लेकिन मेरे फैमिली में सभी खाते हैं और मुझे जो है बनाना पड़ता है, नहीं बनाऊंगी वो भी नहीं होगा। क्यों? परिवार में सभी क्यों बनाना पड़ता है? किसके लिए बनाना पड़ता है? ससुराल में सभी खाते हैं, ऑल फैमिली खाते हैं, मेरे हस्बैंड भी खाते हैं, मेरे बच्चे भी खाते हैं। पति आए हैं आपके? नहीं, वो नहीं आए हैं। और मैं उनको बोलती हूँ कि मुझे यहाँ नहीं रहना है क्योंकि मैं लड्डू गोपाल का सही से सेवा नहीं कर। अच्छा, बिहार में मांस लगभग सभी लोग खाते हैं क्या? हाँ 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 है? कुछ लोग तो बच्चे होंगे। 60-70% तो खाते ही हैं। कितने परसेंट? 60-70% तो खाते ही हैं। तो मैं उनको बोलती हूँ अपने हस्बैंड जी को कि मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं वृंदावन जाना चाहती हूँ बेबी को लेके, लड्डू गोपाल का वहीं सेवा करूंगी और पूरे लाइफ मैं वहीं रहूंगी। अच्छा, तो वो अपने मुझे ना बोलते हैं ना इस गांव के लोग, जिस गांव में हम आए हैं, ये गांव के लोग खाते हैं मांस? वो मुझे तो नहीं पता है गुरुजी। नहीं। तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं ना कि यदि तुम चली गई ना तो मैं सुसाइड कर लूँगा, मर जाऊँगा। मैं इस बात से बहुत परेशान रहती हूँ कि मैं सेवा नहीं कर पाती हूँ, मैं नहीं खाते हुए भी माला नहीं ली हूँ, मैं माला लेना चाहती हूँ, दीक्षा लेना चाहती हूँ। कोई बात नहीं, भगवान का नाम जपो, भगवान का चिंतन करो, भगवान से जो प्रेम है वो बनाए रखो और पूरे परिवार को सत्संग से जोड़ दो, अपने आप। कोई मेरी बात नहीं सुनते हैं गुरुजी, सब अपने मन की करते हैं। उनको कछा सुनवाया करो, जैसे आप आए थे तो आज पति को लेके आते, हम समझा देते हैं उनको। वो तो मैं सुनते भी हूँ तो कथा उनको भी सुनाती हूँ, तो वो थोड़ा बहुत सुनते हैं। आप बोलते हैं ना कि ये सब पे मैं सब जो गुरु जो होते हैं ना वो फ्रॉड होते हैं, ये वो डिस्ट्रैक्ट, ऐसे मुझे अच्छा नहीं लगता सुनने में, इसलिए मैं खुद मांस खा रहे हैं, खुद गलत रास्ते। देखो समाज की विडंबना देखिए, खुद गलत रास्ते पर हैं और जो सही रास्ते पर आपको लाने की कोशिश करे, सही रास्ते पर चला, उसे को आप फ्रॉड कह के नकार देते हैं। बोलते हैं ना कि तुम इसमें जुड़ी हो ना, तो जो मतलब गलत होता है ना वही ये सब चीज़ करता है, तुम भी वही सही हो, इसलिए मैं रहना नहीं चाहती, मैं बेबी के साथ चाहती हूँ वृंदावन चली जाऊँ और वो आने चले जाना समाधान नहीं है। आप अपने कुसंगी परिवार को सत्संग से जोड़कर उसे सत्संगी फैमिली में, मैं सबसे छोटी हूँ, 10 परिवार है फैमिली में, ससुराल में सबसे छोटी हूँ, मेरा बात कोई नहीं सुनता है, कोई नहीं मानता। कोई बात नहीं, आप अपना सत्संग करते रहो, भगवान का चिंतन, और धीरे धीरे आपके प्रभाव से, आपके संगति का प्रभाव ही उन लोगों पर पड़ जाएगा, चिंता ना करो। मेरी मम्मी पापा भी 2.5 साल से जुड़े हैं, उन पे आशीर्वाद बनाए रखें, मेरे बच्चे पे आशीर्वाद। खुश रहिए, मैं तो आपका दर्शन पाके धन्य हूं गुरु जी। राधे राधे गुरु जी, राधे राधे। ले बेटा बोल। गुरु जी राधे राधे। हाँ बेटा, राधे राधे। श्रीमनारायण। श्रीमनारायण। मुझे भजन सुनाऊंगा। सुनाओ। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, अब छबरी के जैसे खिलाते नहीं। कौन कहते हैं बनवान नाचित, कौन कहते हैं बनवान खाते खाते, कौन कहते हैं बनवान खुश रहो खाते नहीं। दे दो सबको, दो थोड़ा थोड़ा बात कर लें। मैया बैठो। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी हम हरियाणा से आए हैं, रहते हैं बिहार में। कहाँ से? हरियाणा से आए हैं, 16 तारीख। अच्छा, हरियाणा से आए हैं।
कहाँ यहीं रहते हैं? बिहार है, बगले में गांव है नया। बताओ। हम पिताजी से कल नहीं देख। क्या हो गया? पिताजी गुजरे तो हम से कल नहीं देख पाए। पिताजी चले गए, आप देख नहीं पाए। कब चले गए? एक साल हो गए। कोई बात नहीं, पहले तो आपने देखा होगा पिताजी को। देखे। कोई बात नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मन को शांति नहीं मिलते हैं, सपने में आते हैं। पिताजी सपने में आते हैं, क्या कहते हैं? बोलते हैं तुम्हारे हम शक्ल नहीं देखे तो हमारे मन को शांति नहीं मिलते हैं, तुम्हारे कोई चीज कमी नहीं रहेंगे, सब चीज पूरा होंगे। कोई बात नहीं, तो आप लोग उनके नाम से जो पुण्य करना चाहो करो, बाकी उनकी सदगति के लिए भगवान से प्रार्थना करो, और आप चिंतन ना करो उनका, भगवान का चिंतन करो। दिल दिमाग से नहीं जाते। कोई बात नहीं भाई, उनको तो जाना ही था, कभी ना कभी तो जाते कि नहीं जाते। फिर मृत्यु इस संसार का अटल सत्य है, इस सत्य को स्वीकार करो। सबको मरना है, आपको भी एक दिन जाना पड़ेगा, इसलिए जो चला गया है उसकी याद में रोना ये समझदारी नहीं। जो चला गया चला गया, और कोई चीज कमी नहीं है गुरुजी, आपकी कृपा सब कुछ है। अच्छा है, तो उनके नाम से पुण्य करो, अच्छे काम करो उनके नाम से, और अपना खुश रहो, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, पति को समय दो, हमेशा रोते ही ना रहा करो। ऐसे में ना आपकी गृहस्थी ठीक नहीं चलेगी, हमेशा रोने से खुश रहा करो। पिताजी चले गए, माँ है, तो माँ को खुश रखो, सेवा करो, और माँ भी जाएगी एक दिन, ये भी याद रखना। फिर भी ना रोने लग जाना कि माँ चली गई, ये कड़ा सत्य है। एक दिन वो गए, एक दिन ये जाएंगे, एक दिन हम सब जाएंगे, धीरे धीरे नंबर आता है, ये सत्य है। जिस समय पापा गुजरे थे तो हमारे लड़का एक्सीडेंट हो गए, तो इसीलिए नहीं आ पाए। कोई बात नहीं, भगवान ने आपके बेटे को सुरक्षित रखा है। हाँ, नहीं टूटे, प्रसन्न रहिए और खुश रहिए। जिंदगी में हर स्थिति में प्रसन्न रहना है। साल भर हो गए, अब तो बातों को डिलीट मारो अपने दिमाग से, और भगवान का स्मरण। बाप का चिंतन करने से लाभ नहीं होगा बेटा, भगवान का चिंतन करने से लाभ होगा, ठीक है? और सपने में काला सांप और हरा देखते हैं, बहुत लंबा लंबा। हाँ, सपने में सांप का आना शुभ होता है, अच्छा होता है। शंकर जी को पीली सरसों चढ़ाया करो तो सपने में सांप आने बंद हो जाएंगे। राधे राधे, खुश रहो। हेलो दोस्तों, तो कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।